हेलो एवरीवन, आज हम नमक्का दरोगा इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसमें तो पहला हमारा प्रश्न है कि नमक्का दरोगा पाठ के लेखक कौन हैं। इनके पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा कि किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था। तो यहाँ पर कहानी में नमक का व्यापार करना निषेध हो गया था। किन के पौ आ रहे थे? अधिकारियों के पौ आ रहे थे। चारों ऑप्शन आप देख करके यहाँ प्रश्न का सही जवाब उत्तर जो है वह है अधिकारियों के पौ आ रहे थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? वकील यहाँ पर ललचाते थे। प्रश्न है नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? वंशीधर को यहाँ पर दरोगा की नौकरी मिली थी नमक विभाग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो यहाँ पर कहानी में नमक की कालाबाजारी पंडित अलोपी दीन कर रहे थे, इसलिए सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है अलोपी दीन। प्रश्न है दुनिया सोती थी पर दुनिया की रिक्त स्थान जागती थी, जीभ जागती थी, यानी कि लोग बोलते रहते थे। प्रश्न है कि किसका लाखों का लेन देन था? अलोपी दीन का लाखों का लेन देन था। प्रश्न है अलोपी दीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? अलोपी दीन को विश्वास था कि रिश्वत के बल पर दरोगा को खरीद लेंगे, ये उनका भरोसा था, विश्वास था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था अलोपी दीन ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलोपी दीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? अलोपी दीन हथकड़ियाँ देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े। क्वेश्चन है 40,000 नहीं 40,00,000 पर भी नहीं, कथन किसका है? ये कथन वंशीधर का है, वंशीधर जो यहाँ पर नमक के दरोगा हैं उनका कथन है। प्रश्न है वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? तो अलोपी दीन की अगवानी के लिए वो दौड़े थे। प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1880 में। प्रश्न है प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? उनका निधन हुआ था 1936 में। आज के हमारे बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ के लिए यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।